वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अंजलि। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक कार्टून से रिलेटेड कुछ करने वाली हूँ। आप लोगों ने टाइटल प्लस थंबनेल देखे तो समझ ही गए होंगे। यस गाइस, इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डू अ चैलेंज विच इज ईटिंग लाइक अ डोरेमोन फॉर 24 आवर्स। यस गाइस, आज मैं दिन से लेके रात तक, सुबह से लेके शाम तक जो भी खाना खाऊंगी वो सब मुझे डोरेमोन से इंस्पायर्ड फूड खाने हैं। एंड गाइस, इस चैलेंज में आने वाला काफ़ी मज़ा, तो आप सब तैयार हो ना? तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को जरूर लाइक कर देना। सो गाइस, विदाउट फर्दर ado, लेट्स बिगिन। तो अभी ब्रेकफास्ट में मैं खाने जा रही हूँ डोरेमोन का फेवरेट ब्रेकफास्ट, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। और ये जो मेरा ब्रेकफास्ट है, इस पिक से इंस्पायर्ड है। एंड अब मैं जा रही हूँ उसका फेवरेट खाना खाने, जो कि है डोरा केक। एंड डोरा केक उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये डोरा केक जैसा बिल्कुल लुक भी आ रहा है इसका, और ये डोरा केक ही है, आप लोग देख सकते हो। एंड ये मैंने घर पे नहीं बनाया, बाहर से मिल जाता है। सो ये डोरा केक मैं अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ अपना। बहुत टेस्टी है। बहुत यम्मी है ये डोरा केक। डोरा 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 केक बहुत यम्मी है। Yummy, 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 yummy in my tummy. बहुत टेस्टी है। डोरा डोरा डोरा। तो इट्स लंच टाइम गाइस, एंड लंच टाइम में जो मैंने फूड लिया है ये इस पिक से इंस्पायर्ड है। एंड अभी मैं अपना जो लंच है वो कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। इट्स स्नैक टाइम गाइस, और स्नैक टाइम में जो फूड खाने जा रही हूँ वो इस पिक से इंस्पायर्ड है, एंड आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे सिंपल सा जो डोरेमोन और नोबिता है दोनों एक साथ खा रहे हैं यहाँ पे ब्रेड, और वो सिंपल ब्रेड नहीं खा रहे हैं, वो ब्रेड मेमोरी वाला खा रहे हैं। मींस उसमें बस आप लोग कोई भी टेक्स्ट या कोई भी कॉपी उसको कॉपी करो और आप लोग खा लो, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। लाइक एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कॉपी करो, खाओ और बस एग्ज़ाम पे टॉप मार लो। सो वैसा ब्रेड तो अभी मेरे पास रियल का डोरेमोन, मैं खुद ही डोरेमोन बनी, वरना डोरेमोन होती तो मैं काश गैजेट निकाल पाती। सो अभी जो मैंने यहाँ पर ले लिया है ब्रेड, एंड नंबर्स लिखने के लिए यहाँ पे मैंने जाम लिया है। सो अब मैं आप लोगों के लिए पूरा लुक क्रिएट करके दिखाती हूँ कैसे खा। सो गाइस, अब मैं जाम से जा रही हूँ यहाँ पे नंबर्स लिखने, ताकि जो हमारा फूड है वो एकदम उससे सिमिलर लगे। सो यहाँ पे कोई फॉर्मूला या फिर कुछ भी मैं नंबर लिख दे रही हूँ, थोड़ा मिलता जुलता रहना चाहिए हमारा जो फूड है। एंड कुछ भी लिख रही हूँ मैं, मेरा कोई पन्नी उड़ी वो मेरा भाई खेल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को पता ही मेरे भाई बहन सब मेरे शूटिंग में लगे रहते हैं। चलो अब मैं अपने थोड़े लाइटर लिख लेती हूँ। ये जो है ना, मतलब मेमोरी ब्रेड, मतलब इसे खा के किसी भी मेमोरी में नहीं जाएगा, आई नो। बट ये जैम में थोड़ी सूखी रहती है, तो ये पूरा एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं लग रहा, मतलब इतना समझ आ रहा है ये ए है, और ये है मेरा क्वेश्चन मार्क, और ये वन है, ये टू है, मतलब इसे इंटेलिजेंट लोग पढ़ सकते हैं आसानी से, आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरे मेमोरी ब्रेड इज माई रेडी, और अब मैं इसे खा के अपनी मेमोरी बढ़ा लेती हूँ जल्दी से।
खा के तो मैं अपनी क्लास की टॉपर बन जाऊंगी मैं। एक्चुअली मुझे नंबर नहीं समझ आ रहे बट मैं टॉपर बन जाऊंगी। और ये रात में किसी को भी नहीं बताऊंगी वरना सब टॉपर बन जाएंगे। तुम्हें नहीं बताऊंगी वरना तुम भी टॉपर बन जाओगे। ये लो तुम भी खा लो और अपनी मेमोरी बढ़ा लो ताकि तुम फर्स्ट क्लास में टॉप आओ। इट्स डिनर टाइम गाइस एंड डिनर में जो मैं फूड ले रही हूँ वो इस पिक से इंस्पायर्ड है जो कि है नूडल्स। तो इसे मैं सिंपल स्पून से खाने वाली हूँ ना कि चॉपस्टिक से। आई मीन उसे चॉपस्टिक ही बोलते हैं शायद। So let's eat the noodles. So guys, यहाँ पे मैं बना रही हूँ noodles and कहते हैं noodles 2 minutes में बनते हैं but पानी उबलने में ही पूरा 2 minutes लग जाता है। तो noodles 2 minutes में बन के हम खा कैसे सकते हैं, ये logic कभी समझ नहीं आया but हर कोई कहता है 2 minutes में noodles ready होते हैं। And guys, अगर क्या आप लोगों ने कभी 2 minutes में noodles बनाए हैं, अगर बनाए हैं तो आप ही बहुत बड़े genius हो, अब बहुत बड़े chef हो। तो मेरी यहाँ पे noodles ready हैं and let's eat. And उससे मिलता जुलता रखने के लिए यहाँ पे जो मैंने noodles लिए हैं, मैगी आप बोल सकते हो, नूडल्स जो बोलना चाहो, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके जो नूडल्स है काफ़ी लंबे टाइप से। तो मैंने भी इसे ब्रेक करके नहीं कुक करा, मैंने भी इसे लॉन्ग रख के ही कुक करा। एज यू कैन सी गाइस, ये लॉन्ग ही है भाई, ये जो कि मैगी लवर है। आपको अभी एक ट्रिक करके दिखाती हूँ। ओके सो ये है मैगी। आप लोग किसी के भी सामने ऐसे इसकी फेवरेट चीज करो तो कैसे दौड़ता है ना, इस पर देखो ओ गिर गई। तो ये देखिए इसका मुंह देखिए आप लोग, ओ माय गॉड। सो अभी मैं अपना डिनर पूरा अच्छे से कर लेती हूँ, डिनर में मेरा पेट अच्छे से भर जाएगा। पंखा बंद कर दो। मैगी कैसी लगी? मैगी आ मैगी आ इसको इमेजिनरी मैगी का स्वाद भी आता है। आपके साथ कभी हुआ है ऐसा? गाइस यहाँ पे जो हमारा ईटिंग लाइक डोरेमोन फूड 424 आवर था वो यहाँ पे खत्म होता है। एंड मैंने चैलेंज जो तो पूरा लिया था, वो चैलेंज मैंने पूरा कर लिया है। एंड आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।